जिंदाबाद जिंदाबाद निषाद पार्टी जिंदाबाद निषाद जिंदाबाद 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 संजय कुमार निषाद जिंदाबाद निषाद पार्टी जिंदाबाद 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 निषाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद ठीक है ठीक है जोरदार ताली स्वागत करना चाहिए साथियों जोरदार ताली से स्वागत के अगले कड़ी में पहले मिल जाएगा देखिए पिछली सरकारों ने ऐसी विसंगति पैदा कर दी कि हम उन्हें शिक्षक के अनुसूचित जात में गिने गए हमारी जातियों को हमारे पर्यायवाची जातियों को हजारों नामों को पिछड़ी में डाल दिया अब पिछड़ी से निकालना दिया जारी है पहली बार 70 साल में इन सरकारों में जाते थे तो गन्ने खाते थे मुकदमे होते थे उन सबों का फर्जी मुकदमा हमारे पास और हमारी सरकार है उसे लिख कर उसे प्रक्रिया में आई है 18 दिसंबर को हमारे 30 में हमारे मुख्यमंत्री ने लिखा आरजीआई को भाई त्रिवटला मधुबार अनुसूचित जात कटवार पहली बार 70 साल में 18 जनवरी को आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि नहीं है त्रिवटला मधुबार है उन्होंने लिख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय अब सामाजिक न्याय मंत्रालय उस पर प्रक्रिया करा हम लोग पैमान वाला नहीं संविधान वाला चाहिए जिस तरीके से 370 साल में खत्म हो गया उसी तरह राम मंदिर बन गया उसी तरीके से आरक्षण भी होगा वो निश्चित रूप से प्रक्रिया में है और निर्णायक मंत्री जी जिले के बंगाल में कर रही है यूपी में जगह नहीं है क्या समाजवादी पार्टी से पूछा जा जहाँ तक उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसे नकार दिया हो 2014 से 2017 2019 2022 लगातार 2024 वैसे ही खत्म है तो निश्चित रूप से इधर उधर है और वहाँ भी क्या है क्या नहीं है तो अखिलेश यादव ने एक कटाक्ष किया 2 साल के लड़ते हुए कहे कि डबल इंजन की सरकार लड़ रही है घर का झगड़ा रोड पे आ गया इस पर क्या कहते हैं तो उनका झगड़ा क्या उनके घर का सबसे बड़ा घर तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश है समाज है हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोग हमारे घर हमारा घर यही हम लोगों का पीडब्ल्यू के उनका घर क्या है वही है सर पीडब्ल्यू के राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह सहारनपुर में सपा को धमकी दी है कि जो मेरे कार्यकर्ताओं पर आंख दिखाएगा उसका अंजाम बुरा मेरी सरकार धमकी नहीं देती काम करती है उनकी सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता है उनके लोग दबंग और तृणमूल माफिया संरक्षण हमारी सरकार आज सजा दे रही है जो संविधान के साथ है जो देश के कानून के साथ है वो हमारा है जो उसका विरोध करेगा उसके खिलाफ ठीक है ठीक ठीक ठीक